हेलो गाइस, आज हम ईंट भट्टे पे आए हुए हैं और ईंट किस तरह से मिट्टी बनाया जाता है यहाँ पर और मशीन द्वारा मिट्टी को मिलाया जाता है और पेराई होता है, धकमेल है, इस मशीन से मिट्टी निकाला जाता है। किस तरह से मिट्टी को बनाया जाता है और यही मिट्टी जो है रात में फूलने के लिए दिया जाता है और घटमेल में इसको डाला जाता है ताकि मिट्टी एकदम फ्रेश निकले और फ्रेश होने के कारण यही है कि इसको पेराई किया जाता है तब जाके ईंट बनाया जाता है। इससे यही होता है कि फिनिशिंग बढ़िया होता है। देखिए किस तरह से मिट्टी को जेसीबी से धकमेल में डाला जाता है और यही मिट्टी पेराई होके बाहर निकलने के बाद इसको ईंट पखाई के लिए भेजा जाता है लेबर द्वारा। देखिए गाइस, अभी जो मिट्टी इसमें डाल रहे हैं फिर देखिए किस तरह से निकाला जाता है, अगला वीडियो हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मिट्टी जमा हो गया बनके और इसी तरह मिट्टी को निकाला जाता है और सब जगह मिट्टी को उपलब्ध कराया जाता है। जितना भी पत्थरा है इस जगह सब कोई ईंट निकाला जाता है और ईंट भी दिखाएंगे आपको किस तरह से ईंट बनाया जाता है फर्मो द्वारा, अभी वो भी हम दिखाएंगे। कैसे आप इसको बनाते हैं? इतना बनाते हैं, जोर से बोलिए, इधर देखिए। तो आप कितने दिन से ईंट बना रहे हैं? ये 2-3 साल से बना रहे हैं। तो आप कितना ईंट बना लेते हैं? कम से 2,500 बना लेते हैं। तो 2,500 का कितना हो गया आपका मजदूरी इसमें? 2,500 का हो गया। कम से कम मैक्सिमम कितना का मजदूरी? 1,000 रुपया हो जाता है। 1,000 रुपया, 1,000-1,100 ऐसे। तो दिन भर में कितना आप पार लेते हैं इसमें? 2,500 पार लेते हैं। 2,500, पारने में मन लगता है? हाँ, मिट्टी भी बढ़िया मिलता है, पारने में मन लगता है। किस चीज से मिट्टी को बनाया जाता है वहाँ से? मिट्टी तो जेसीबी से बनाता है और धकमेल में पेराई होता है। धकमेल में पेराई होता है, ट्रैक्टर ने पेरता है। बहुत बढ़िया लगता है, मन लगता है? मन लगता है, खूब बढ़िया मन लगता है। तो सुन लिए गाइस, तो ठीक है, एक ठो हमको बना के आप दिखाइए। दिखाते हैं। देखिए, और इस तरह से ही बनाए, अभी दिखा दिए हमको बना के। वाह, बहुत बढ़िया है, वाह बहुत सुंदर। ये RSP वृक्ष है।